दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग हर साल 5.5 मिलियन 55 लाख लोग और इंडिया में 1 मिलियन 10 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू खाने और सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से होती है। हाँ दोस्तों, ये सही है। इतनी भारी मात्रा में लोग हर साल पूरी दुनिया में मर रहे हैं तंबाकू खाने और सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंसूर आलम, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम एक थोड़ी सी लॉजिक के बारे में बात करेंगे कि इंसान तंबाकू खाना या सिगरेट पीना क्यों शुरू करता है। सबसे पहले जब कोई भी इंसान तंबाकू खाना या सिगरेट पीना शुरू करता है तो उसको रिलैक्स महसूस होता है, सुकून महसूस होता है, इसलिए वो सोचता है कि यह बहुत अच्छा है और धीरे धीरे करके वो उसका आदि हो जाता है। और ये हकीकत भी है, जब कोई भी इंसान स्टार्टिंग में तंबाकू खाना या सिगरेट स्मोकिंग करना शुरू करता है तो उसके दिमाग से न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसको रिलैक्स सुकून महसूस कराता है, और धीरे धीरे करके वो उसका आदि हो जाता है और तंबाकू खाने लगता है, रोज सिगरेट पीने लगता है। लेकिन शायद वो इस बात को नहीं जानता कि फ्यूचर में उसके लिए कितना बड़ा नुकसान करेगा ये तंबाकू या सिगरेट। दोस्तों, एक वेबसाइट के अनुसार 4000 केमिकल्स तंबाकू में पाए जाते हैं जो हमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल इफेक्ट डाल सकते हैं, और इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं तंबाकू खाने से और सिगरेट स्मोकिंग करने से। मैं सारी बीमारियों के बारे में चर्चा ना कर करके जो कॉमन बीमारी है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बीमारी है लंग कैंसर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तंबाकू चेविंग करने से हमारे गालों में कैंसर होता है जिससे हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, और यहाँ पर गालों में यहाँ इस साइड पे हमें तंबाकू खाने से कैंसर होता है। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग करने से हमारे फेफड़ों में कैंसर होता है। जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं सिगरेट स्मोकिंग करने से वो फेफड़े में ही आती हैं लगभग। तो दोस्तों, पहली बीमारी है लंग कैंसर। दोस्तों, ये एक बीमारी है जो हमारे लंग में होती है, हमें लंग में कैंसर हो जाता है। दोस्तों, दूसरी बीमारी है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जो इंसान ज़्यादा सिगरेट पीता है तो उसके हमारे फेफड़े में एक यूनिट पाई जाती है एल्वियोलाई, तो वो रिड्यूस हो जाती है। तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए उतना हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि वो एरिया रिड्यूस हो जाता है। और उससे इंसान थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करता है, थोड़ा सा भी काम करता है तो उसको पसीने छूटने लगते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। दोस्तों, तीसरी बीमारी है कोरोनिक ब्रोंकाइटिस। ये हमारे ब्रोंकिंग बीमारी होती है हमारे फेफड़े में। चौथी बीमारी है ल्यूकेमिया। दोस्तों, ल्यूकेमिया बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये स्पेशली ब्लड कैंसर इसमें होता है, और ये जाकर खासकर WBC पे अटैक करता है जिसमें WBC में कैंसर हो जाता है। और आप जानते हैं कि WBC हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कितना खास होता है, तो इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है, और आप जानते हैं इम्यून सिस्टम अगर प्रभावित हो गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों, पांचवी बीमारी है डायबिटीज, आप जानते हैं जिसको आम भाषा में शुगर कहते हैं, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और छठवीं बीमारी है स्ट्रोक। स्ट्रोक ऐसी बीमारी है कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाता है जिससे हमें भूलने की या बहुत तरह की दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों, सातवीं बीमारी है आई इश्यूज, हमारे आँख में भी प्रॉब्लम हो सकती है सिगरेट पीने से या तंबाकू चेविंग करने से। और आठवीं बीमारी है पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये भी एक बीमारी है। और नौवीं बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और खासकर बुढ़ापे में जो लोग तंबाकू बचपन से या जवानी से ज़्यादा खाए रहते हैं उनको लास्ट में जाकर उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं जिससे फ्रैक्चर का ज़्यादा चांस रहता है। और दोस्तों, दसवीं बीमारी हार्ट डिजीज। दोस्तों, एक वेबसाइट के अनुसार अगर आप तंबाकू खाते हैं या सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 55 लाख लोग हर साल इस दुनिया में मरते हैं, अगर कोई भी इस दुनिया में कोई भी इंसान मरेगा 5 लोग तो उसमें से एक भारतीय होगा। मतलब भारत में आजकल इतना ज़्यादा तंबाकू का सेवन, हमारे हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा तंबाकू का सेवन और सिगरेट स्मोकिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम लोगों को बताएं, लोगों को अवेयरनेस करें कि हर साल तंबाकू खाने और सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से कितने लोगों की मृत्यु होती है, ताकि वो जागें थोड़ा और तंबाकू खाना बंद कर दें। और दोस्तों, आइए हम अपने भारत को तंबाकू मुक्त, स्मोकिंग मुक्त बनाएं, ताकि लोग तंबाकू खाना और सिगरेट पीना बंद करें, और अपने भारत को नहीं पूरे वर्ल्ड में तंबाकू जो सेवन किया जा रहा है बहुत खतरनाक है, और अगर हम इस बात को फैलाएंगे, लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताएंगे तो इससे हमारा ही फ्यूचर सही होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ को जानें और लोगों को बताएं, ताकि लोग इस चीज़ के बारे में समझें। दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।